हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एआर में। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि बहुत से स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि अब हम नेहरू में एडमिशन कैसे लेंगे, कब फॉर्म निकलेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी फीस हो लगती है, या नेहरू में एडमिशन लेना सही है या नहीं है। तो मेरी एक पिछली वीडियो भी थी 2022 में, मैंने आप सभी को बताया था कि नेहरू में एडमिशन लेना सही है या नहीं है। उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इस साल भी काफी स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा है कि क्या कब फार्म निकलेंगे, कैसे हमें लेना है। तो सिंपल से नेहरू के फार्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपके नजदीकी साइबर कैफे पे जाना है एंड वहां से आपको अपना फार्म अप्लाई करा लेना है। फार्म अप्लाई करने के बाद आपके सामने क्या करना होगा, सिंपल से आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। मेरिट लिस्ट निकलती है, सिंपल से हमारी 4 या 5 मेरिट लिस्ट निकलती है नेहरू कॉलेज में। एंड सिंपल से उसके बाद भी यदि आपका नाम नहीं आता है नेहरू कॉलेज में, तो आप कॉलेज जाकर डायरेक्ट ही एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन लेने मतलब की ओपन काउंसलिंग भी होती है, ओपन काउंसलिंग होती है, तो सिंपल से आप ओपन काउंसलिंग में अपना जाकर एडमिशन ले सकते हो। और कहें तो अभी नेहरू कॉलेज कितने सही, नेहरू कॉलेज से काफी स्टूडेंट हमारे हैं कि काफी क्लासेस तो बिल्कुल क्या कहूँ, पेपर बहुत ही सही होते हैं वहाँ पर। आप सिंपल से एक बार एडमिशन लेंगे, काफी अच्छा कॉलेज है हमारे सेक्टर 16 में फरीदाबाद में, तो सिंपल से आप अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि आपको पता है फिर सीट फार्म फुल हो जाता है तो एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल से आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म सबमिट कराइए साइबर कैफे पर जाकर। एंड यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।